भारत का विभाजन हुआ था, लेकिन हम इसको अब सफल नहीं होने देंगे। लोगों को गुमराह किया गया है, लोगों को बहकाया गया है, स्वयं मीडिया इसका गवाह है कि जो सीए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें यही नहीं पता है कि सीए है क्या। और सबसे बुरी बात मध्य प्रदेश में हुई है कि ठीक है, राजगढ़ में जो घटना हुई उसमें बद्रीलाल यादव जी के मुँह से एक अशोभनीय टिप्पणी निकल गई, जिसमें उनने माफ़ी भी मांग ली और उन पर कार्यवाही भी होगी, लेकिन मैं अभी भी कहूँगी कि उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था बद्रीलाल जी को। लेकिन बद्रीलाल जी की गलती में एक बहुत बड़ा अपराध छिप गया है, और वो अपराध ये है कि हाथ में तिरंगा लेकर के प्रदर्शन कर रहे, सीए के पक्ष में प्रदर्शन कर रहे लोगों को थप्पड़ नहीं मारा जा सकता। और सीए पारित हो चुका है संसद के दोनों सदन में, अब वो संविधान सम्मत है, इसलिए राज्य का कोई भी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी संविधान सम्मत किसी भी व्यक्ति किसी भी चीज़ का विरोध नहीं कर सकते। जैसे समर्थन में विरोध में रैली निकली तो उसमें उसको खुद मुख्यमंत्री ने लीड किया भोपाल में, तो समर्थन में भी रैली निकलेगी, तो न विरोध की रैली को रोकना, जब नहीं रोका गया तो समर्थन की रैली को भी नहीं रोका जा सकता था। और मुझे जो चिंता का विषय हो रहा है, मुझे नहीं राज्य के लिए भी, मध्य प्रदेश के लिए, कि यहाँ के जो अधिकारी हैं वो संवैधानिक मर्यादाओं का हनन कर रहे हैं। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी को और चीफ सेक्रेटरी जो राज्य के हैं उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो आईएएस अधिकारियों को इसके बारे में निर्देश जारी करें, गाइडलाइन जारी करें कि वो सीए के खिलाफ नहीं बोल सकते कुछ भी, उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। और एक आईएएस अधिकारी ने, मतलब हम तो पहली बार देखा, देखिए हमारी यहाँ पे 15 साल सरकार रही, शिवराज जी 13 साल सीएम रहे, मनमोहन सिंह जी 10 साल पीएम रहे, कभी आपने केंद्र और राज्य के बारे में अधिकारियों को टिप्पणी करते नहीं देखा होगा राज्य के। ये पहली बार हुआ है जब राज्य के अधिकारी नेताओं को डकैत और घपलेबाज कहे जा रहे हैं, और जब वो डकैत और घपलेबाज कह रहे हैं तो इससे वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं को मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उन्हें पूरे हिंदुस्तान के नेताओं को ही डकैत और घपलेबाज कह दिया। क्या डकैती और घपलेबाजी बिना अधिकारियों के, आईएएस अधिकारियों के सहयोग के बिना हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है। इसलिए ये कहना कि हम भी उस भी क्राइम में पार्टनर थे, मतलब मेरा ये मतलब है कि जवान बिल्कुल बेलगाम हो गई है यहाँ कुछ अधिकारियों की, और इस बेलगाम जवान को रोकने का काम राज्य के चीफ सेक्रेटरी को करना पड़ेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो देश के बहुत वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, उनके लिए सत्ता कोई नई चीज़ नहीं है, वो बहुत समय केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। इसलिए आज मैं यहाँ से जिस स्थान पर मैं हूँ, आपने मुझे एक अच्छा मौका दे दिया, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, राज्य के और यहाँ के चीफ सेक्रेटरी को ये आग्रह करूँगी कि आप तुरंत यहाँ के अधिकारियों को समझाइए ये बात कि उनको बेलगाम बयान नहीं देने हैं, और उनको सोशल एक्टिविस्ट की तरह अगर काम करना है तो आईएएस से रिजाइन करें और शाहीन बाग में जाकर प्रदर्शन करें। छिंदवाड़ा की घटना को लेकर आपने जो बोला था उसको लेकर ये अधिकारी भी बात कर रही है, और इसको लगता है कि आपको ये जो सीओ ये चल रहा है कुछ देशी ताकतों का भी इसमें जो मतलब हाथ? जब भी अपने देश में ऐसे कोई कठिनाई आएगी तो जो लोग हमारी तरक्की से, हमारे विकास से जल रहे हैं, वो देश तो इसका लाभ उठाना ही चाहेंगे, और वो हर प्रकार से उसमें उनका सहयोग करना चाहेंगे कि जो चीज़ बिगड़ रही है वो और ज़्यादा बिगाड़ दी जाए। क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है जब भारत में एकदम ठाठी देसी सोच वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बना हुआ है, और ये उनको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे देश में अभी भी अंग्रेजी मानसिकता के लोग हैं ना, जो कांग्रेस के समय पर राज्य करते रहे, अब वो प्रशासन में भी रहे और शासन में भी रहे। अभी आप देखिए ना कैसे मुँह खुल गए इनके। हमारी जब सरकार थी हम कभी अधिकारियों को केंद्र के खिलाफ नहीं बोलने देते थे, हम खुद नहीं बोलते थे। अगर आपको मतलब भले ही आप ना दिखा पाएं, लेकिन मैं एक उदाहरण दे रही हूँ आपको बैकग्राउंड के लिए, कि जब मनमोहन सिंह जी का अपमान हुआ था तो शिवराज सिंह ने उसका विरोध किया था, अमेरिका में उनका कुछ अपमान हुआ था तो शिवराज सिंह जी ने कहा था कि दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता है लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री का अपमान है तो हम भी इसकी निंदा करेंगे, चाहे मैं भले ही उनकी विरोधी पार्टी का मुख्यमंत्री हूँ। ऐसे देश चलता है, ऐसे संविधान चलता है। इसलिए कमलनाथ जी और यहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनकी जिम्मेवारी है कि वो आईएएस अधिकारियों की जवान पे काबू करवाएं, और अगर वो सोशल एक्टिविस्ट हैं जो कुछ लोग जिसमें आईएएस हो गए हैं तो रिज़ाइन कर दें और शाहीन बाग में जाकर प्रदर्शन में भाग लें, लेकिन जब तक वो पदों पे बैठे हैं तब तक वो संविधान की मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकते। अब उनके साथ में राकेश ने कहा है ना जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कि वो उनके साथ में बात करेंगे, तो इसलिए जब प्रदेश अध्यक्ष ने जिम्मेवारी ले ली है उनसे बात करने की, तो इसलिए हम वैसे वो एक विजातीय तत्व हैं,
विजातीय तत्व जिसको बोलते हैं, और ये जो बेपेंदी के लोटे होते हैं जिनकी कोई विचारधारा नहीं होती, इसमें से ऐसे कुछ लोग हैं जो हमारे यहाँ आ गए हैं, तो जैसे सिर में जुए काटने लग जाते हैं तो ऐसे बीच बीच में काट बार काट देते हैं। समर्थन करेंगी क्या जनसंघ? हम लोग माननीय सरसंचालक को भगवान की जगह मानते हैं और इसलिए हम उन लोगों की उनकी किसी भी बात पर टिप्पणी नहीं करते, लेकिन यह एक सच्चाई है कि जनसंख्या भारत की एक बहुत विकराल समस्या है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह जरूर कहा है कि ये संख्या हमारी ताकत है, लेकिन ये तभी हमारी ताकत होगी जब सबके हाथ में रोजगार होंगे, अन्यथा ये हमारे लिए बहुत बड़ा बोझ बन सकता है आधार बनने की जगह पे। इसलिए इस बारे में एक राष्ट्रीय बहस तो चल ही रही है और इस पर एक निष्कर्ष पर तो आना ही होगा। लेकिन आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और सीओर के जो मीडिया के लोग बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी करते हैं, मैंने देखा मैं जब भी यहाँ बात करती हूँ। देखिए, हमें जब हम देश को प्राथमिकता पर रखेंगे तो हमें धर्म जाति और संप्रदाय की प्राथमिकताओं को बिल्कुल नीचे ले आना पड़ेगा, और इससे किसी की कोई धार्मिक मान्यता का टकराव नहीं होता है, क्योंकि मुस्लिम देशों में भी जनसंख्या नियंत्रण हो रहे हैं। आप मलेशिया को देख लीजिए, इंडोनेशिया को देख लीजिए, तो ये भारत ही क्यों ऐसा चुन लिया गया है कि ये खुली धर्मशाला है, इसमें आपके मन में आए जो करो, बाहर के इतने बड़ी संख्या में घुसपैठिए हैं उनको यहाँ बना रहने दो, वो यहाँ से जा ही नहीं सकते हैं और आ जाने दो, ऐसा क्यों भारत के साथ, ऐसा क्यों इतना नॉनसेंस इस देश के साथ में क्यों? और मोदी जी ने बिल्कुल ठीक कदम लिया है और देश की जनता मोदी जी के साथ। दीदी, आप जब कांग्रेस ही ने मध्य प्रदेश आके पूरा नेतृत्व संभाला था, तो आने वाले टाइम में कुछ ऐसा लगता है कि आपको दोबारा फिर से आना पड़ेगा मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में जो भी होगा मैं उसमें पूरी तरह से साथ हूँ। अभी मुझे 1.5 साल गंगा के किनारे बिताना था, पाँव में फ्रैक्चर नहीं हुआ होता तो मुझे भोपाल होने ही नहीं था, क्योंकि फ्रैक्चर हो गए और 2-2 फ्रैक्चर हुए, आज पहली बार मैं बिना व्हीलचेयर के इतना चली हूँ। तो वहाँ बहुत सर्दी थी ऋषिकेश में और हिमालय में, तो इसलिए मुझे कहा गया कि आप मार्च महीने तक भोपाल में बने रहिए। तो अभी तो मैं कोई टिप्पणी ही इस विषय पर नहीं करूँगी, लेकिन मैं यह जरूर चाहूँगी कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और उसमें एक कार्यकर्ता के नाते मेरा जो रोल होगा वो मैं पूरा करूँ।